हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका प्लम्बर स्पेशलिस्ट चैनल में। आ गया हूँ आज फिर से एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आप देख सकते हो कंजी लिस्ट को, दोस्तों जो है मैं इसको ऑपरेट कर रहा हूँ और ये दोस्तों हिल रहा है। और इसका जो पानी है दोस्तों, मतलब पिचकारी से पानी बहते ही जा रहा है। मतलब पानी अगर मैं पकड़ता हूँ तो पानी बंद होता है, और छोड़ देता हूँ तो पानी चालू हो जाता है। आप देख सकते हो मैं अभी पकड़ा तो पानी बंद हो गया है। अभी मैं इसको छोड़ूंगा तो आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ से पानी आना शुरू हो गया है। दोस्तों ये जो प्रॉब्लम है इसका, स्पिंडल का प्रॉब्लम है। दोस्तों आप देख सकते हो मैं मार्केट से जगुआर टाइप का स्पिंडल लाया हूँ, 3/4 का। इसका जो बॉडी है 3/4 का है। तो आपको आपका आपके घर में अगर ऐसा प्रॉब्लम हुआ है तो आपको इसको चेंज करने के लिए आपको 3/4 का सेरामिक स्पिंडल लाना पड़ेगा। उसके बाद में आप देख सकते हो, क्योंकि जो जगुआर का कंसिस्ट होगा है इसमें सेरामिक का स्पिंडल लगा हुआ होता है, तो उससे आपको चेंज करने के लिए सेरामिक का स्पेंडल लाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हो दोस्तों मैं सिंपली एलिंकी से इसका हेड को खोल रहा हूँ। एलिंकी को आपको लेफ्ट साइड में घुमाना है और दोस्तों हेड को खींचना है बाहर की तरफ, थोड़ा आपको ठोकना है स्क्रू ड्राइवर से। आप देख सकते हो जैसे मैं ठोक कर इसको खींच रहा हूँ, ऐसे आपको इसको खोलना है। आप देख सकते हो दोस्तों मैं इसका हेड को निकाल दिया हूँ। अब इसका मैं फ्लांज को खोल लेता हूँ और इसका दोस्तों बॉडी जो है, बॉडी को मैं खोलूंगा। दोस्तों बॉडी को खोलने के लिए आपको सिंपली आपको पेचो का ऐसे, आपको पेचे को स्क्रू ड्राइवर पेचे हो या स्क्रू ड्राइवर का ऐसे आपको ठोकना है। और दोस्तों आपको हाथ से ही खोलना है, इसमें आपको पकड़ या पाना नहीं लगाना है, क्योंकि नहीं तो इसका जो इसको इसमें स्क्रैच पड़ जाएगा अगर इसमें आप पाना लगाते हो तो। आप देख सकते हो दोस्तों जो इसका बॉडी समेत, इसका स्पिंडल समेत बॉडी निकल कर आ गया है, मतलब बॉडी के साथ में स्पिंडल भी आ गया है। तो सबसे पहले इसमें मुझे इसका स्पिंडल को बॉडी से अलग करना पड़ेगा। आप देख सकते हो मैं पकड़ से इसको पकड़ कर अलग कर दिया हूँ, और आपको दोनों स्पिंडल को दिखा रहा हूँ, दोनों सेम है। आप देख सकते हो ये भी पौने का है, ये भी पौने का है, दोनों सेरामिक आइटम है। दोस्तों इसका जो वाशर चेंज करने पर इसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, इसीलिए मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि अंदर का जो इसका पार्ट्स है वो ख़राब हो चुका है। दोस्तों स्पिंडल का वाशर चेंज करने एक वीडियो मैं बनाया हूँ ऑलरेडी, मैं इस वीडियो के एंड में वो वीडियो को दे दूंगा कैसे स्पिंडल का वाशर जो है वो चेंज किया जाता है, आप जरूर देख लीजिएगा। आप देख सकते हो तो सबसे पहले मैं इसमें इसका बॉडी लगना चाहिए, तो मैं इसका बॉडी को लगाकर चेक कर लेता हूँ। बॉडी आप देख सकते हो लग जा रहा है इसमें, ये भी पौने का है तो आसानी से इसमें फिट हो गया है। तो सब देख सकते हो सिंपली मैं इसका स्पिंडल को जो है लगा दूंगा इसमें। दोस्तों आप देख सकते हो मैं बॉडी को इसमें लगा रहा हूँ। दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप इस चैनल प्लम्बर स्पेशलिस्ट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे वीडियो के ठीक नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन मिलेगा, आप उसे प्रेस करके चैनल प्लम्बर स्पेशलिस्ट को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और मेरा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो मैं इसको फिट कर रहा हूँ पकड़ से, थोड़ा इसको टाइट कर रहा हूँ अभी। तो ये दोस्तों फिट हो गया है। अब मैं इसका बॉडी लगा दूंगा और दोस्तों इसका हेड भी लगा दूंगा, और साथ में आपको पानी चालू करके भी दिखाऊंगा ये वर्क करता है या नहीं सही से प्रॉपरली। सेरामिक का जो स्पिंडल होता है उसमें पानी जो है तुरंत बंद होना चाहिए। अब देख सकते हो दोस्तों जैसे मैं इसको खोला था, इसको बंद करके इसका हेड जो नीचे रखना है मुझे, तो नीचे हेड को बंद करके हेड नीचे रखकर इसको पुश कर दिया, और सिंपली इसका एलंकी से इसको टाइट कर देता हूँ। और मैं आपको अभी पानी भी चालू करके दिखाऊंगा ये काम वर्क करता है या नहीं। स्पिंडल फिट कर दिया हूँ, आप देख सकते हो दोस्तों मैं इसके एलिंकी को लगा दिया हूँ, और अब मैं इसका नॉब भी लगा दिया हूँ। अब मैं आपको पानी चालू करके बताता हूँ। तो आप देख सकते हो दोस्तों मैं इसको चालू किया, इसमें पानी आ रहा है, बंद कर दिया हूँ तो बंद हो गया तुरंत ये चालू। इसको शुरू किया और इसको बंद। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो लाइक कमेंट शेयर करना। मिलते हैं ऐसे किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, बाय बाय।